इब्रानियों के नाम पत्री 10वां अध्याय। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लोहू पापों को दूर करे, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। ऊपर तो वह कहता है कि न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है कि देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। निदान वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं, और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दहिने जा बैठा, और उसी समय से इसकी बात जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जान बूझ कर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, हाँ दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जबकि मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला दो या तीन जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लोहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, और फिर यह है कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे। कुछ तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कुछ यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए
और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। सो अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं।